नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योर नॉलेज शो में। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। चीन अपने समुद्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाने को लेकर काफी आक्रामक है। वहीं अमेरिका की माने तो ऐसा लगता है कि चीन बिना सोचे समझे या बिना किसी रणनीतिक महत्व के एक अनुभवहीन देश जैसा केवल हथियारों का जखीरा बढ़ाता जा रहा है। यानी कि चीन एक अनुभव ही नौसेना के हाथों में केवल हथियारों पर हथियार थमाने के रास्ते पर चल पड़ा है, जबकि चीन की नौसेना उन हथियारों का रणनीतिक महत्व स्थापित नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ भारत अपनी नौसेना के लिए बहुत ही सोचे समझी रणनीतिक महत्व के हथियारों का ही चयन कर रहा है। यानी भारत की नौसेना ऐसे हथियारों को शामिल कर रही है जो भारत को चीन के बराबर में बड़ी नौसेना तो नहीं बनाएंगे, किंतु चीन के मुकाबले एशिया की एक ताकतवर सेना जरूर बना रहे हैं। यानी कि चीन केवल हथियारों पर हथियार बनाए जा रहा है, किंतु युद्ध में वैसे हथियार कितने हेल्पफुल साबित होंगे खुद चीन को भी पता नहीं है। और अब चीन ने पहले मानव रहित समुद्री हेलीकॉप्टर का संचालन किया है। चीन नौसेना के इस मानव रहित हेलीकॉप्टर की पेलोड क्षमता 75 किलोग्राम है और 400 किलोमीटर के सहन शक्ति के साथ 150 किलोमीटर की रफ्तार हासिल कर सकता है। हालांकि चीन ने इसे दुनिया के सबसे एडवांस मानव रहित हेलीकॉप्टर का दर्जा भी दे दिया। और ऐसे मानव रहित हेलीकॉप्टर के बाद अब चीन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से मानव रहित ड्रोन हथियारों के संचालन पर भी काम कर रहा है। लेकिन चीन के ऐसे हथियार चीन के रणनीतिक महत्व को कितना पूरा करेंगे ये तो किसी को मालूम नहीं। लेकिन चीन ने ऐसा करके दुनिया को यह दिखाने का प्रयास किया है कि वह मानव रहित हथियारों की दुनिया में अमेरिका से दो कदम आगे है। हालांकि चीन के इस मानव रहित हेलीकॉप्टर को पूरा परीक्षण अभी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी चीन ने खुद को दुनिया से आगे दिखाने के लिए मानव रहित हेलीकॉप्टर की तैनाती कर दी। और अब पर्दे के पीछे चीन इसी हेलीकॉप्टर का सालों परीक्षण करता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। हालांकि इस विषय में आपकी क्या राय है हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।